वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन मीशो हॉल, और आज का हॉल अगेन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। एंड आज की कलेक्शन मैंने विंटर कलेक्शन भी ऐड की है, क्योंकि जैसा कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं और हमें सबको ही चाहिए कि कोई अच्छी सी कलेक्शन हमें मिल जाए या जैकेट्स हमें मिल जाए। तो आपके लिए मैं विंटर कलेक्शन भी अब हर वीडियो में एक आधा आइटम मैं विंटर्स का भी इंक्लूड करूंगी, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। एंड सो गाइज, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे चल रही है गिव अवे। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गिव अवे में, तो गिव अवे के रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें गिव अवे में, कि आप भी गिव अवे के विनर बन जाएं। गिव अवे के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। जब मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब मैं विनर अनाउंस करूंगी। एंड मैं 30 विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ इस गिव अवे में। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लें गिव अवे में। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के हॉल वीडियोज देखने को मिलती रहेंगी। एंड साथ ही प्रेस करें नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आने वाले न्यू वीडियोज के अपडेट सबसे पहले आपके पास आए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेस लाइफ 2020। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। जो भी ड्रेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, वो सारी ही रीसेलिंग में अवेलेबल है मेरे पास। सो गाइज, अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जो भी ड्रेस आप परचेज करना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजेंगे, एंड रीसेलिंग प्राइस आपको सबका ही स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है रीसेलिंग में परचेज करना। तो अगर आप कम प्राइस में परचेज करना चाहते हो तो आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरे पास एक ही साइज अवेलेबल होता है एंड एक सिंगल प्रोडक्ट ही अवेलेबल होता है। तो जब आप वीडियो देख लेते हैं, साथ ही जल्दी से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास बहुत लिमिटेड होते हैं और बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा शरारा सूट है एंड काफी ज्यादा रीजनेबल, काफी ज्यादा बजट में है एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये मुझे रिसीव हुआ है 1181 रुपीज में, एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो एक्सेल साइज है। आई थिंक इसमें और साइज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने एक्सेल साइज परचेज किया है। अगर और कोई साइज अवेलेबल हो आप चेक कर लेना, अगर आपको एस एम मिलता है तो। मुझे एक्सेल साइज ही मिला इसमें। एंड चलो मैं ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह का होने वाला है ये। सो गाइस, ये बहुत ही सिंपल से पैकेजिंग में आया था, पैकेजिंग काफी सिंपल है। तो प्राइस इतना कम है तो उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग ठीक है, हम इतनी अच्छी पैकेजिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो गाइस, तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ डार्क ब्राउन, एक्चुअली डार्क ब्राउन नहीं, डार्क पर्पल कलर का ही आपको सूट मिलता है, शरारा सूट मिलता है। तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होने वाला है ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट की। तो ये डार्क पर्पल कलर का आपको शरारा सूट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको ये मिलता है, एंड यहाँ पे आपको राउंड नेक मिलता है, एंड बैक साइड पे भी आपको इस तरह का राउंड नेक मिलता है। एंड बात करें इसके स्लीव्स की, तो यहाँ पे जो आपको स्लीव्स मिलती है ना, वो कुछ इस तरह की बेल स्लीव्स मिलती हैं। एंड स्लीव्स के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये गोल्डन प्रिंट में वर्क किया हुआ है, प्रिंट है इस पे, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। एंड देख सकते हो यहाँ पे आपको दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही स्लीव्स मिलती हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ना गोल्डन गोल्डन से छोटे छोटे से आपको स्टोन वर्क में आपको ये पूरा वो मिलता है, पूरा सूट आपको स्टोन वर्क में मिलता है। आप देख सकते हो छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं। एंड आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। एंड ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, एंड ये आपको पूरे सूट पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलती है, कोई मिरर वर्क नहीं है, जस्ट आपको ये स्टोन वर्क मिलता है और ये ऐसे शाइन होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये फ्रंट पार्ट इसका। एंड बात करें इसके बैक साइड की, तो यहाँ बैक साइड पे आपको पूरा प्लेन मिलता है, बैक साइड पे आपको ऐसे कोई वर्क नहीं मिलता है। एंड इसके नीचे आपको काफी अच्छे फैब्रिक में लाइनिंग दी हुई है, आप देख सकते हो लाइनिंग काफी अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको इसकी स्टिचिंग इंटरलॉकिंग के साथ मिलती है, क्योंकि इसमें सारे साइज अवेलेबल हैं बट मेरे को एक्सेल ही मिला। आई थिंक और साइज अवेलेबल नहीं थे या आउट ऑफ स्टॉक थे, तो इसलिए अदरवाइज इसमें साइज अवेलेबल है, इसलिए इन्होंने इंटरलॉकिंग की है कि आपको अल्टर नहीं करवाना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये ऊपर वाला सूट है एंड स्लीव्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी स्लीव्स हैं। बहुत ही अच्छा सा सूट है ये एंड काफी ज्यादा प्राइस काफी अच्छा है इसका, 1100 की रेंज में मुझे बहुत अच्छा लगा ये। सो गाइज ये था इसका ऊपर वाला पार्ट। अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की। तो यहाँ पे जो हमें बॉटम में जो शरारा मिलता है आप देख सकते हो कुछ इस तरह का शरारा मिलता है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ काफी अच्छी कंफर्टेबल सी इलास्टिक मिलती है एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ तक आपको पार्ट पूरा प्लेन मिलता है, जॉर्जेट फैब्रिक में शरारा है। एंड नीचे की तरफ आप देखेंगे जैसा आपको स्लीव्स के ऊपर दिया हुआ था प्रिंट, वैसे में आपको गोल्डन प्रिंट में ये नीचे वाला पार्ट मिलता है एंड ये बहुत ज्यादा शाइन भी कर रहा है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड बीच बीच में आपको ये गोटा पट्टी वाली लेस मिलती है एंड कुछ इस तरह का आपको डिजाइन मिलता है पहनने के बाद। गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। एंड नीचे की तरफ आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड डिजाइन मिलता है। तो गाइस मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा, मुझे एक्चुअली इसका कलर भी बहुत अच्छा है एंड अगर आप देखेंगे आपको रिसीव होगा जब भी आप परचेज करेंगे इसको तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये मैंने 1100 का परचेज किया है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इसकी स्टिचिंग फिनिशिंग सब कुछ बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा शरारा है। अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। तो दुपट्टा यहाँ पे हमें काफी छोटा सा दुपट्टा दिया हुआ है, दुपट्टा कुछ ज्यादा हैवी दुपट्टा नहीं है। आप देख सकते हो कुछ इतनी लेंथ एंड विड्थ के साथ ये दुपट्टा मिलता है एंड पूरे दुपट्टे पे आपको प्रिंट मिलता है जैसा स्लीव्स के पास था। तो बस दुपट्टा थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट वेट इन्होंने दे दिया, थोड़ा हैवी दुपट्टा और कर सकते थे बट ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। एंड दुपट्टा जो है ना वो बैक साइड से आपको इस तरह का मिलता है, एंड फ्रंट साइड से ऐसा प्रिंटेड दुपट्टा है। तो मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा ये एंड एक्चुअली इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसी लगने वाली है। ट्राई करके दिखा दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहनने के बाद ये कैसी लगने वाली है। तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है रीसेलिंग प्राइस में, तो आपको और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर आप रीसेलिंग प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें स्क्रीनशॉट के साथ। सो गाइज अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैंने मीशो से क्या परचेज किया है। गाइज नेक्स्ट मैंने ना अगेन मीशो से एक शरारा सूट परचेज किया है, इसका जो प्राइस है वो है 1431 रुपीज। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी पैकेजिंग काफी सिंपल थी, मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होने वाला है ये। एंड इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर का मैंने परचेज किया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का होने वाला है ये। सो गाइस ये ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट शरारा सूट है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक कुर्ती की तरह है, एक टॉप जैसे कुर्ती शॉर्ट कुर्ती होती है उस तरह का है ये। सो गाइज यहाँ पे ये आपको ना व्हाइट कलर का मिलता है एंड यहाँ पे आपको राउंड नेक मिलता है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड आपको राउंड नेक मिलता है एंड इसमें सारे ही साइज अवेलेबल हैं। इस पे मैंने एम साइज परचेज किया है एंड ये कॉटन फैब्रिक में होने वाला है शरारा सूट। तो यहाँ पे आपको इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं मिलती है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक में है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है ये कुर्ती, व्हाइट कलर में आपको प्योर व्हाइट कलर में ये कुर्ती मिलती है। नेक पे आपको कुछ इस तरह का गोटा पट्टी लेस के साथ आपको इस तरह का नेक पे डिजाइन मिलता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको नेक पे डिजाइन मिलता है। एंड स्लीव्स के पास ना यहाँ पे आपको स्लीव्स पे भी आपको इस तरह का गोटा पट्टी वाला लेस लगाई हुई है रेड कलर की एंड गोल्डन कलर की। एंड जो इसकी स्लीव्स हैं ये आपको फुल स्लीव्स मिलती हैं, 1/4 स्लीव्स है, आई थिंक 1/4 स्लीव्स हैं, आपको ट्राई एंड पार्ट में आप देख लेना। एंड यहाँ पे जो आपको कुर्ती मिलती है जस्ट आपको वो इस एरिया तक मिलती है, यहाँ तक आप उसमें देख लेना ट्राई एंड पार्ट में। एंड नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टी कलर्स में इस तरह की डिटेलिंग मिलती है एंड नीचे आपको पिंक एंड गोल्डन कलर में गोटा पट्टी वाली लेस मिलती है। तो इस तरह का आपको ये कुर्ती का बॉर्डर इस तरह का मिलता है। एंड बैक साइड की बात करें तो बैक साइड आपको पूरा ही प्लेन मिलता है, बैक साइड पैसेज कोई वर्क नहीं है। तो कुछ इस तरह का आपको ये ऊपर वाला पार्ट मिलता है,
प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा प्राइस ही लगा, क्योंकि एक तो मतलब हर कोई इस तरह के शॉर्ट कुर्ती में कंफर्टेबल नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे थोड़ा सा प्राइस ही लगा। सो बात कर लेते हैं इसके बॉटम की। तो यहाँ पे जो आपको बॉटम में शरारा मिलता है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, ऊपर आपको कंफर्टेबल सी इलास्टिक दी हुई है, एंड यहाँ पे आपको ये एरिया प्लेन मिलता है। एंड इस तरफ पे यहाँ पे आपको मल्टी कलर्स में, जैसा आपको कुर्ती के नीचे दिया हुआ था बॉर्डर पे, सेम वैसा ही आपको मल्टी कलर्स में इस तरह की डिटेलिंग मिलती है। एंड ये डिटेलिंग आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड मिलती है। एंड सेम नीचे आपको इसमें पिंक एंड ग्रीन कलर से लेस लगी हुई है, एंड विद गोटा पट्टी लेस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इतना फ्लेयर मिलता है, एंड फ्लेयर के साथ ही आप देख सकते हो नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे सेम लेस मिलती है विद गोटा पट्टी लेस, आप देख सकते हो, और इतना आपको फ्लेयर मिलता है। तो इसका बॉटम मुझे काफी अच्छा लगा, एंड आप देख सकते हो दूसरी साइड भी आपको सेम वैसा ही मिलता है, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका बॉटम। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर वाले, इसके साथ जो हमें दुपट्टा रिसीव हुआ है, तो दुपट्टा यहाँ पे हमें ये नेट फैब्रिक में रिसीव हुआ है, व्हाइट कलर का दुपट्टा है। एंड दुपट्टे पे भी सेम लेस एंड सेम आपको मल्टी कलर में पट्टी मिलती है, एंड सेम गोटा पट्टी वाली लेस मिलती है, आप देख सकते हो इस तरह से। एंड दुपट्टे की लेंथ विड्थ बहुत अच्छी है, लेंथ से ज्यादा ही मुझे लगता है विड्थ इन्होंने दे दी, आप देख सकते हो ये इसकी विड्थ है, इतनी इतनी आपको विड्थ मिलती है, एंड ये इसकी इतनी विड्थ है, आप देख सकते हो इतनी ज्यादा विड्थ है दुपट्टे की, एंड ये आपको लेंथ मिलती है। तो दुपट्टे की लेंथ विड्थ काफी अच्छी है, तो आप काफी कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत ही अच्छा दुपट्टा है। दुपट्टे का जो नेट फैब्रिक है वो भी काफी सॉफ्ट सा नेट यूज किया गया है, एंड मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा, बस ये है कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट जो कुर्ती दी है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होगा, जैसे कि मेरे को पर्सनली इस तरह की शॉर्ट कुर्ती इसके शायद शरारा पसंद नहीं है। तो अगर आप लोग इसको पसंद आता है, आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं, रीसेलिंग प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। एंड चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि पहनने के बाद ये कैसी लगने वाली है। करके दिखा दिया है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि पहनने के बाद ये कैसी लगेगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की। यहाँ पे ना मैंने अमेजोन से परचेज किया है, मीशो से परचेज नहीं किया है, मैंने एक स्वेटर परचेज किया है, एंड जो इसका प्राइस है वो है, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, आई थिंक 1300 की रेंज में है आई थिंक। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होने वाला है। तो ये काफी अच्छी सी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था, कुछ इस तरह की पैकेजिंग मुझे रिसीव हुआ है ये। तो गाइज मुझे 1319 रुपीज़ में रिसीव हुआ है, एंड ये ब्रांड रेड टेप की तरफ से है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का ये स्वेटर होने वाला है। तो अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, बाकी मैं मीशो के भी ट्राई करूंगी विंटर कलेक्शन, मैंने आपको पहले भी दिखाई है एक दो विंटर कलेक्शन। हाँ, रेड टेप लंडन ब्रांड की तरफ से है ये, एंड 1319 रुपीज का आपको ये मिलता है। एंड इसके जो टैग पे जो प्राइस दिया हुआ है वो दिया है 4399 रुपीज, तो ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 1319 रुपीज में रिसीव होता है। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह का ये स्वेटर होने वाला है। तो ये आपको ना कुछ ब्लू कलर का स्वेटर मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये हाई नेक मिलता है यहाँ पे, एंड जो इसकी स्लीव्स है ना वो आपको कुछ इस तरह की स्लीव्स मिलती हैं, फुल स्लीव्स, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ये स्वेटर मिलता है। एंड स्वेटर पे ना आपको बीच बीच में सीक्वेंस मिलते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो ये थोड़ा शाइन भी हो रहा होगा। एंड इसके जो वुल यूज की गई है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वुल यूज की गई है, आप देख सकते हो बैक साइड से आपको कुछ इस तरह का लगता है, काफी ज्यादा अच्छा, एंड काफी मतलब काफी वार्म रहने वाला है विंटर्स में, काफी काफी अच्छी वुल यूज की गई है इसके लिए, फिनिशिंग काफी अच्छी है स्वेटर की, आप देख सकते हैं। तो सो गाइस कुछ इस तरह का ये स्वेटर है, मुझे काफी अच्छा लगा, एंड पहनने के बाद काफी ज्यादा वार्म लग रहा था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये लगने वाला है पहनने के बाद।
तो आप चाहें तो इसको जीन्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। ब्लैक कलर की जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, व्हाइट कलर की जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है ये। तो मुझे ये स्वेटर काफ़ी अच्छा लगा, और विंटर्स में ना मुझे कुछ ऐड ऑन भी करना था अपने कलेक्शंस में, अपनी वार्डरोब में मुझे कुछ ऐड भी करने थे अच्छे से स्वेटर, क्योंकि पिछले साल के जो थे वो मेरे को साइज़ नहीं आ रहा है फिट, और मुझे चाहिए भी थे न्यू कि मैं कुछ न्यू ऐड करूँ। तो मैं हर जगह से, जैसे कि हर ऐप से, हर वेबसाइट से मैं ट्राई कर रही हूँ विंटर कलेक्शन अच्छी अच्छी और मैं अर्बैनिक से भी चाहती हूँ कि मैं अर्बैनिक के भी कुछ विंटर कलेक्शन ट्राई करूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अर्बैनिक का भी हॉल करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये भी बताएं कि मैं मिंत्रा से विंटर कलेक्शन दिखाऊँ या कहाँ से दिखाऊँ, मतलब कहाँ से आप देखना चाहते हैं, कौन सी वेबसाइट से। तो सारी चीज़ें हम ना मुझे कमेंट सेक्शन बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की क्या चॉइस है, आप लोग क्या देखना चाहते हैं। जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं तो हर किसी को विंटर कलेक्शन भी चाहिए, विंटर्स का भी कुछ अच्छी कलेक्शन आप लोगों को चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या देखना है। सो गाइज, ये था लास्ट स्वेटर जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था, आज का हॉल। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।